सबसे पहले जो आपने बात की कि निकलते ही पहला जो साइन वेलकम करता है एयरपोर्ट से बाहर कि द इंडिया क्लीनेस्ट सिटी, छठी दफा इंदौर ने ये टाइटल लिया है। कि मालवा का मौसम यहाँ का बड़ा मशहूर है, शाम को शामें बहुत ठंडी हो जाती हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि हिल स्टेशन है या कैपिटल मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहां मैं जा चुका हूँ दो दफा। बहुत खूबसूरत शहर है वहाँ, वहां पे दरमियान में लेक है, उसके आसपास घर है, आप वहां पे जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ चीमा साहब, तो मैंने देखा है कि एयरपोर्ट से लेकर इसके अंदरून शहर तक एक मेट्रो का बहुत बड़ा हमंकस मीलों में फैला प्रोजेक्ट चल रहा है। मेरे जो होस्ट हैं भाटिया फैमिली है यहाँ पे, डिसाई फैमिली है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं सारे, और सलूजा फैमिली हैं, मैं उनके बैकग्राउंड भी बताता हूँ आप। जब मैंने अपने होस्ट उनसे मैं खासकर डिवेलपमेंट के हवाले से बातें की, तो उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंदौर के अंदर नहीं चल रहा, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ 365 बिलियन डॉलर है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो 341 बिलियन डॉलर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन, वो मेरे पाकिस्तान के GDP से है। यूपी के अंदर तकरीबन 4 से 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये हर स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है। अमृतसर के एयरपोर्ट मैं हैरान हूं, मैं जयपुर के एयरपोर्ट देख चुका हूं। इंडिगो इस वक्त दुनिया की पहली एयरलाइन है जो सबसे ज्यादा तैयारे इस साल खरीद रही। दूसरा, मैंने जब इस पर मजीद देख रहा था, मेरे लिए शॉकिंग चीजें मैं यहाँ पे नंबर सामने आ रहे हैं मेरे, कि टाटा कंपनी 365 बिलियन डॉलर के का उनकी कंपनी है, जबकि मेरे वतन अजीज का टोटल साल का बजट ही 348 बिलियन है। मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ आरसू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल देना, वो रुपया उसका नाम है, अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है। जबरदस्त, आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि साजिद तरार जो कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिकी पॉलिटिक्स में काफ़ी रसूख रखते हैं, वो अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इससे पहले भी वो भारत का दौरा कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट किया है उसे देखकर साजिद तरार की आंखें चौंधिया गई हैं कि कैसे आखिर एक इंसान ने इतने बड़े देश का कायापलट ही कर दिया। साजिद तरार का ये कहना है कि इतनी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कें तो अमेरिका में भी नहीं हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई भारतीय एयरपोर्ट है, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये कोई यूरोपीय एयरपोर्ट है। दोस्तों आइए देखते हैं साजिद तरार भारत के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। छठी दफा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, छठी दफा, बहुत बड़ा टाइटल है। बल्कि जब आप एयरपोर्ट से उतरते जाते हैं तो सबसे पहले सामने जो लिखा होता है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और इंदौर जहां बैठा हूं इस कार्ड मिनी मुंबई, और इंडस्ट्रियल सिटी है यहां पे, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। मिनी मुंबई इसलिए कहा जाता है, एक तो मुंबई के आसपास है, नजदीक है, सरस्वती और काना जो दो दरिया हैं उसके संगम पे इसको बनाया गया। इसका पुराना नाम इंदौरपुर भी था, अंदूर भी था इसका नाम, फिर राजा इंदर सिंह थे जिनका जिनके नाम पर बनाया गया। ये मालवा का मौसम यहाँ का बड़ा मशहूर है, शाम को शामें बहुत ठंडी हो जाती हैं, ऑलमोस्ट आप कह लें कि हिल स्टेशन है या कैपिटल मध्य प्रदेश का भोपाल है, जहां मैं जा चुका हूँ दो दफा। बहुत खूबसूरत शहर है वहाँ, वहाँ पे दरमियान में लेक है, उसके आसपास घर है, आप वहाँ पे जब जा रहे होते हैं तो इस तरह लगता है कि दिस इज लाइक अ स्विट्जरलैंड, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे इंडस्ट्री में जो है सबसे ज्यादा वो कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक ब्लैक किसको कहते हैं काली पहाड़ी या काला, वहाँ पे उसकी वजह से लैंड फर्टाइल है, यहाँ कॉटन बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था इससे बहुत अरसा पहले, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो है 5,000 के करीब यहाँ पे फैक्ट्रियां मौजूद है, जिसमें फॉरेन कंपनियां टोयोटा और दूसरा है। जो सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है चीजें जो इसमें इंदौर, लता मंगेशकर वाज बोर्न, जो कि आपको मालूम है कि शी इज अ लेजेंड, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनते हुए। दूसरा, सबसे बड़ी बात है सलमान खान जो बॉलीवुड के बहुत बड़े वो यहाँ से हैं, सलीम खान यहाँ से वो पैदा हुए यहाँ पे, जानी वाकर एक एक्टर हुआ करते थे 1926 में, वो बड़े मशहूर, वो यहाँ से हैं। जो मेरे लिए किशोर कुमार भी एक बहुत बड़े लेजेंड है, मैं जवान हुआ उनके गाने सुनता हूँ, वो यहाँ से हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर थे, वो यहाँ पे हैं।
माओ एक जगह है, उन्हीं उसी जगह से थे। माओ एक बहुत बड़ी छावनी यहाँ पे बनाई गई थी। और अमेजिंगली बल्कि मैंने उसमें कुछ दोस्तों से रस्ते में भी आते पूछता रहा कुछ कि किस तरीके से इंदौर को आपने क्लीनर सिटी किस तरह बना। 2015 से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। 3000 डस्टबिन लगाए गए हर 500 मीटर के फासले पर रखे गए। लेकिन इसमें आरजू मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है या वो तो एक चीज बनाती है, लेकिन उसको आगे चलाना जो होता है वो लोगों ने, सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने उसको आगे चलाना होता है। और मैंने देखा है कि कम्युनिटी ने उनका साथ दिया है म्यूनिसिपैलिटी का। उसमें जो मैं देखा, जो की एलिमेंट उन्होंने किया कि ड्राई और वेट जो ट्रैश होता है उसको सेपरेट किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने ये किया कि घर घर जाके ट्रैश को कलेक्शन करने की मूवमेंट चलाई। फिर उसके बाद ये कि मैंने देखा लाउड स्पीकर पे मुसलसल उनकी गाड़ियां शहर के अंदर ऐलान करती थी कि सफाई को मेंटेन करें, क्योंकि रिमाइंड कराना होता है लोगों को, जनरल मैसेज को। उस पर बहुत बड़ी कंपेन उन्होंने चलाई। जो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रेवोल्यूशन है उसको उन्होंने कारोबार बनाया, उसको उससे पैसे बनाए। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक इंडस्ट्री बनाया। और IMS ने 14.45 करोड़ उससे जनरेट किया वेस्ट डिस्पोजल से, 8.5 करोड़ कार्बन क्रेडिट से उन्होंने इसको एक इनकम की तरफ लेकर वो गए, जो कि मैं समझता हूँ इस रिमार्केबल। और दूसरा मैं अगर देखा जाए, मैं मेरे को यह दुख तो होता है, वो बात मैं करना नहीं चाहता कि मैं जब खासकर अपने थोड़ा सा कंपेरिजन करता हूँ तो थोड़ी सी हमें जो मैं हमेशा जो मेरी ख्वाहिश भी है, और कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले कि हमें चाहिए कि अच्छी चीजें अडॉप्ट करें चाहे किसी भी कल्चर से हो, तो उसमें मेरे नजर से जो आज सुबह गुजरी बात वो ये थी कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन टाटा है यहाँ पे जिनकी नेटवर्थ $365 बिलियन है, और मेरे वतन अजीज का जो GDP है वो $341 बिलियन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा अलोन वो मेरे पाकिस्तान के GDP से ज्यादा है। तो हमें आगे जाना पॉजिटिवली होगा। और एक कंपनी अलोन जो कि 1868 में बनी है वो एक सबसे बड़ी बात जो उसकी मिसाल में एक और भी उसमें मुझे जो नजर आया, मैंने जब टाटा के बारे में सुबह पढ़ रहा था, इन्होंने 1903 में ताज होटल बनाया जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा चेन है। 1907 के अंदर उन्होंने यहाँ पे स्टील मिल बनाई पहली अपनी। और आज देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो मैं बताना ये चाहूंगा कि हालात भारत के अंदर ऐसे साजगार थे तो वो तरक्की करते रहे और आज भी दे आर। अभी उन्होंने एयर इंडिया को बाय किया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखूं मेरे अपने मादरे मिलत को, तो मलिक रियाज को भाग के दुबई में जाके बना लेनी पड़ रही है। आज इंदौर की मैं आज जहां बैठा हूं, अफसोस के साथ कहूंगा, मेरे मजहब के अंदर कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, करने वाले आज इंदौर ही कर रहे हैं। और इंदौर खासकर मैं जब कल आ रहा था तो इंदौर के अंदर यहाँ पे बोहरा मुसलमान बहुत है, दूसरे मुसलमान भी बहुत ह्यूज कम्युनिटी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे BJP का जोर है, इसको ज्यादातर कहा जाता है हिंदू बेल्ट है यहाँ पे। मैं बल्कि कल यकीन करें आरजू, मैं जब एयरपोर्ट से उतरा हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो बन रही है और पता नहीं कितने मीलों को चलता रहा प्रोजेक्ट। मेरे जो होस्ट है उन्होंने बैठे थे, वो उन्होंने मुझे कहा भाई ये इस तरह के प्रोजेक्ट तो भारत के हर शहर में बन रहे हैं कि मेट्रोस बन रही हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। और ये बाकी की बात सर, उनके पास पैसा है वो कमाते हैं, हमारी तरह कर्जे पे थोड़ी चल रहे हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट भी, पैसा है भारत के अंदर, पैसा है अगर तो भारत के अंदर है। यहाँ पे इस वक्त डेस्टिनेशन, मैं अगले दिन जब मैं जामपुर के अंदर, जामनगर के अंदर जब अंबानी साहब के बच्चे की वेडिंग है जिसमें इवांका आ रही है, जिसके अंदर कतर के लोग आ रहे हैं, साथ ये भी लिखा गया था कि भारत के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट किया जाना चाहिए। हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, हर चीज के अंदर नेशनलिज्म, क्या वजह है? आप लूटते हैं, भागते हैं वहां से। आप पैसा, मैंने बताया आपके पास तो बहुत पैसा है, आपने इतना लूटा है सारी दुनिया को दहशतगर्दी के चक्कर में, आपने अफगान जिहाद के बारे में इतना लूटा है कि आप सोच नहीं सकते। आपने बहुत पैसा बनाया है, बल्कि कुछ अर्सा पहले तो यहां तक था कि मैं स्विस बैंकों में आपका भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा था, हालांकि भारत साइज में आपसे बहुत बड़ा है, लेकिन उनका पैसा भारत के अंदर। वो जाते हैं, मैं अबू जबी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ आरसू, तो मैं वहां पे ड्यूटी फ्री शॉप पे गया हूं, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा यार मैं भारतीय कार्ड के साथ पैसे देना चाहूंगा। उसने कहा जी बिल्कुल देगा, वो रुपया उसका नाम है। अबू जबी एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय करेंसी चल रही है,
जबरदस्त। आपके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी नहीं चल रही है, ईरान का रुपया चल रहा है, ईरान की करेंसी चल रही है क्वेटा के अंदर। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और पिछले 7-8 सालों से इंदौर यह खिताब जीत रहा है। अब साजिद तरार पहुंचे इंदौर और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत का कोई शहर इतना साफ सुथरा हो सकता है। वो इस बात पर रिसर्च करने लगे कि आखिर कैसे भारत का कोई शहर इतना साफ सुथरा है। पिछले 10 सालों में भारत ने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो जाल कभी अमेरिका बिछाया करता था, वो भी 1960s के दौर में, लेकिन वो जाल अब भारत में बिछ रहा है। यही सब देखकर साजिद तरार की आंखें चौंधिया गई हैं कि आखिर मोदी में ऐसा क्या जादू है जो उसने इतने बड़े देश को इतनी तेजी से विकसित कर दिया। साजिद तरार वही शख्स है जो आए दिन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ डिबेट करते हैं और भारत की तरक्की की बात करते हुए पाकिस्तान को कोसते हैं कि क्यों नहीं तुम लोग भारत से सीखते हो। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।